हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत होमगार्ड की भर्ती का भी नोटिस आ गया। आप सभी के बीच में होमगार्ड की भर्ती भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। क्या नया नोटिस आया, एक परिवार एक नौकरी आपकी योजना, इसके तहत हरियाणा होमगार्ड की भर्ती भी होने वाली है। जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, उसके घर में एक नौकरी हरियाणा सरकार देने का अब सपना आपका पूरा करने वाली है। क्योंकि इसको लेकर हरियाणा सरकार बहुत ही अलर्ट बैठी हुई है। हरियाणा कौशल निगम को लेकर एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत भी अब आपको लाखों बच्चों को रोजगार मिल सकता है। नया नोटिस भी जारी हो चुका है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के फॉर्म भरने वाले सभी इस वीडियो को कंटिन्यू देख लेना, बाद में पछताओगे। क्योंकि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, नया अपडेट आ गया है, नया सारा सिस्टम आ गया है। एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत अगर आपको भी जॉब चाहिए, अगर आपके घर में कोई भी नौकरी में नहीं लगा हुआ है, अगर आप नौकरी में लगना चाहते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको जॉब मिल सकती है। किस प्रकार से रिक्रूटमेंट आई है, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आइए पूरा डिटेल्स बताऊंगा। और जो भी मेरा भाई रूबेन आज हमारे चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। क्योंकि हरियाणा में कोई भी किसी प्रकार की रिक्रूटमेंट आती है, कोई भी नोटिस आता है, किसी प्रकार का कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले सबसे फास्ट आपको गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता है। तो मेरे भाई और बहन, जो भी आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। आपको डेली इसी टाइप से जो भी रिक्रूटमेंट आएगी, कोई भी अपडेट आएगा, सबसे पहले सबसे पास समय समय पर सारे नोटिस देखने को मिलते रहेंगे। और सारे तुम्हें मेरे भाई और बहन, पूरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। वहां पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां पर हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी ऐड है, वहां पर आप भी ऐड हो सकते हो। एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको 24 घंटे यूनिवर्सिटी देखने को मिलेंगे। दूर चीज, आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी सरकार की कोई भी समस्या होती है, कोई भी लिंक नहीं मिलता, कोई साइट में प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप हमें बेझिझक होकर टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अपने छोटे भाई के पास मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपका छोटा भाई 24 घंटे आपके सपोर्ट में है। तो मेरे भाई और बहन, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट होता है तो मुझे टेलीग्राम पर आज मैसेज करके पूछ लिया करो, आपका भाई आपके सपोर्ट में। तो आइए आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं, डिटेल से बताता हूं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें, ओके। मेरे सभी भाई और बहन को यह नोटिस बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। ये नोटिस कहां का रहने वाला है, किस प्रकार का नोटिस है, जिसके अंदर आपको इसका नोटिस का नंबर भी डाल रखा, आप इसको देख सकते हैं। ये नोटिस रहने वाला है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य विभाग का ये नोटिस रहने वाला है। हरियाणा का आपको यहां पर एड्रेस डाल रखा है, पंचकुला का एड्रेस रहने वाला है। आपको यहां पर दिख भी रहा होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये स्कैन कॉपी है, इसमें ऐसा ही दिखेगा। तो मेरे भाई और बहन, ये फूड कॉरपोरेशन FCI का नोटिस रहने वाला है, दिनांक आप सभी के सामने है, 4/1/2023 का नोटिस रहने वाला है। कमांडेंट जो जनरल साहब है होमगार्ड से रिलेटेड, इन्होंने क्या नोटिस है चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में, इनका जो हेड ऑफिस है वहां से क्या नया अपडेट निकल कर आया। डिसकंटिन्यू होमगार्ड सर्विस ऑफ द, ये आपको लिख रखा है इसमें रिगार्डिंग, क्या आपका विषय क्या रहने वाला है। एक जो 2 फरवरी को आपको, 1 फरवरी 2023 को आपका जो डिसकंटिन्यू आपको होमगार्ड से किया जाएगा, यह दुख भरी बात रहने वाली है। क्योंकि FCI के अंदर अपने जो होमगार्ड लगते थे सिक्योरिटी के तौर पर चंडीगढ़ के अंदर, पूरे हरियाणा में जहां पर FCI के बड़े बड़े खाद्य विभाग के जो संस्थान थे, वहां पर होमगार्ड तैनात किए जाते थे, अब वहां पर डिसकंटिन्यू किए जाएंगे। इनका कहना है कि होमगार्ड को अब हम लेना नहीं चाहते, क्योंकि 2 फरवरी से, जहां पर 1 फरवरी 2023 से आपको जिसका भी कंप्लीट पूरा हो जाएगा, इनका अपॉइंटमेंट होता है कि इतने टाइम तक हम आपको रखेंगे, उसके बाद में हमारा बाद में अगला जो विषय आएगा उसके आधार पर हम बताएंगे। तो 2 फरवरी तक आपको मैं बताना चाहूंगा, फरवरी के पहले दिन आपको जिस भी मेरे रूबेन का होमगार्ड से वहां पर हटाने के लिए बोला जा रहा है, डिसकंटिन्यू बोला जा रहा है कि हम आगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, जो भी सर्विस होगी होमगार्ड की हम सर्विस लेना नहीं चाहते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि फूड कॉरपोरेशन जो इंडिया है, हरियाणा में भारतीय खाद्य विभाग, उनका कहना है कि हम होमगार्ड की जो अब सर्विस है वो अब हम लेना नहीं चाहते। तो ये किसको भर्ती करना चाहते हैं, इसको मैं इसमें बताऊंगा। ये करने चाहते हैं जो एक्स सर्विसमैन है, मेरे भाई में कोई भी रिटायर आदमी है, जिस जो एक्स सर्विसमैन है फौज पुलिस से जो रिटायरमेंट है, उसको ये तैनात करना चाह रहे हैं। इनका कहने का मतलब है अब हम आगे से एक्स सर्विसमैन को भर्ती करेंगे होमगार्ड के बजाय। होमगार्ड को हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी नहीं दे सकते, कंटिन्यू नहीं रख सकते, हम एक्स सर्विसमैन को अब नौकरी देंगे, अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक्स सर्विसमैन को ही जॉब मिलने वाली है। तो ये भारतीय खाद्य विभाग से होमगार्ड से रिलेटेड एक अपडेट निकल कर आया है। अगर आपके भाई का छोटा सा अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है भारत में
और भारतीय खाद्य विभाग में एफसीआई तो होमगार्ड को हटाने के लिए बात हो चुकी है और इसके बाद में काफी डिपार्टमेंट है जहां पर होमगार्ड भी तैनात किए जाते हैं। तो मेरा आयरन होमगार्ड की 1500 पोस्टों के ऊपर नया नोटिस भी जारी हो चुका है क्योंकि होमगार्ड की भर्ती होना तय है। कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती की जाएगी क्योंकि होमगार्ड का जो सिलसिला है वो दोबारा से मार्केट में आ चुका है। आपको पता है होमगार्ड का दोबारा से अपडेट आने स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि होमगार्ड की भर्ती होनी है, 1500 होमगार्ड नए लेने हैं तो उनको कहां पर तैनात किए जाएंगे। इसलिए हरियाणा सरकार इनसे बातें कर रही है, एफसीआई वालों से जो भी बातें होती है आपको बिल्कुल डिटेल से बताया जाएगा, कोई भी अपडेट आएगा तो आपको कंटिन्यू बताया जाता है। तो मेरे भाई और बहन हरियाणा के अंदर 1500 पोस्टों के अंदर होमगार्ड की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, फरवरी में आपको भर्ती देखने को मिलेगी क्योंकि 1 फरवरी को इनको हटाया जाएगा, तब इनकी काउंटिंग होगी कितने होमगार्ड कहां पर तैनात करने हैं, कहां कहां से कितने होमगार्ड को हटाया गया और उनको कहां पर जॉब देनी है। उसके बाद जब काउंटिंग होने के बाद 1500 पोस्टों के हिसाब से जितनी पोस्टें कम बचती होंगी उसके पोस्टों के ऊपर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती होने वाले हैं। फरवरी के महीने में आपकी होमगार्ड की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। जनवरी के लास्ट वीक तक, मेरे भाई गुरबैन, मैं आपको बता देता हूं स्टिक जानकारी के साथ, जनवरी के लास्ट वीक तक आपको होमगार्ड का अपडेट देखने को मिल जाएगा क्योंकि लास्ट वीक तक आपको होमगार्ड का अपडेट देखने को मिलेगा और फरवरी के स्टार्टिंग में ही आपको होमगार्ड की भर्ती भी जरूर स्टार्टिंग होती जरूर आ जाएगी, नजर भी आप सभी को दिख जाएगा क्योंकि होमगार्ड की भर्ती अब हरियाणा में बची हुई और सारी भर्तियों का धीरे धीरे नंबर आ चुका है जिसमें हरियाणा के अंदर कंडक्टर की भर्ती होनी है, हेल्पर की भर्ती होनी है, डायल 112 की भर्ती आप सभी के सामने आ चुकी है। तो इस प्रकार से जो भी रिक्रूटमेंट आती है सबसे पहले सबसे फास्ट बताया जाता है। तो मेरे भाई और बहन अभी तक जिसने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अपना फॉर्म लगाना स्टार्ट नहीं किया अपना फॉर्म लगाना स्टार्ट कर देना क्योंकि आपको पता है रजिस्ट्रेशन जिसने नहीं किया अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। 110% मैं आप सभी को यह चीज बोलना चाहता हूं, हर घर के अंदर एक सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार, मैं आपको कह देता हूं पूरे हरियाणा के अंदर कौशल रोजगार निगम के तहत अब आपको जॉब मिलने वाली है। सरकारी नौकरियां तो भूल जाओ मेरे भाई बहन, कौशल रोजगार निगम के तहत अगर आपको जॉब मिल जाती है तो उससे बड़ी खुशखबरी आप सभी को क्या होने वाली है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भी अपडेट्स आते हैं अगर कोई भी मेरे भाई बहन कंटिन्यू पाना चाहता है तो आपको कंटिन्यू यहां पर अपडेट देखने को मिलेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट आती है सबसे पहले देखने को मिलती है, ऐसे ऐसे अपडेट बता दूंगा मेरे भाई बहन किसी यूट्यूब ने आज तक आपको बताया नहीं होगा। डायरेक्ट आपको मेरिट बेस्ड इंटरव्यू इसमें सिलेक्शन मिल सकता है वो भी 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर क्योंकि हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के अंदर इतने ज्यादा विभाग है, चंडीगढ़ के अंदर इतने ज्यादा विभाग, वहां पर आपको मेरिट बेस्ड इंटरव्यू बेस पर गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो वहां के भी जो भी अपडेट्स आते हैं कंटिन्यू उसको चेक किया करो, चेक करने बाद अपनी क्वालिफिकेशन आपकी एज के हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स आते रहेंगे कंटिन्यू आपको बताया जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट होता है कुछ भी पूछना तो मुझे टेलीग्राम पर आप मैसेज करके पूछ लिया करो, आपका छोटा भाई 24 घंटे आपके सपोर्ट में। जो भी मेरे भाई और बहन इसी टाइप से जो भी नोटिस आते हैं कंटिन्यू तो पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी अपनी इच्छा अनुसार वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। सभी मेरे भाई और बहन हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी के अभी ज्वाइन करें और इसी टाइप से मजेदार इंटरव्यू जो भी आपके आते हैं डायरेक्ट वहां पर आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। हरियाणा के अंदर SSV भोपाल सिंह खत्री से जो भी बातें होती है डायरेक्ट आपको पता चलेगा, CM साहब के जो भी अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू वहां पर रेगुलर देखने को मिलेंगे। कोई भी नोटिस आते हैं किसी प्रकार की कोई भी रिक्रूटमेंट आती है सारे वहां पर देखने को मिलेंगे। अभी के अभी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। जो भी मेरे भाई आज हमारे चैनल पर पहली बार आया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई रुबन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।